नमस्कार, poonamrathi.com में आपका स्वागत है। टेस्टी एंड बेस्टी रेसिपीज के आज के एपिसोड में हम बनाएंगे मिक्स आटे के थालपीठ, जिसे हम बाजनी के थालपीठ कहते हैं। हमारे सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं, जिसे हम ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। चलिए देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से थालपीठ बनाने की रेसिपी। थालपीठ बनाने के लिए हम लेंगे थालपीठ का आटा लेंगे। का आटा मिक्स दाल, गेहूँ और पल्सेस से बना रहता है। इसमें हम 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 पिंच हींग, 7 से 8 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक या स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून तेल, 2 बारीक कटा हुआ ऑनियन और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। सब इंग्रेडिएंट अच्छी तरह मिक्स कर नॉर्मल पानी से आटा गूंद के लेंगे। रोटी के आटे जैसा ही हमें आटा लगाना है। आटा गूंद के रेडी हो गया है, इसे हम ढक देकर 15 से 20 मिनट तक रखेंगे। सबसे पहले पैन गरम करेंगे। चकले के ऊपर कॉटन का गीला कपड़ा रखेंगे। थोड़ा पानी हाथों की सहायता से स्प्रेड करेंगे। छोटा गोला लेके इस तरह का गोला लेंगे और हाथों की सहायता से हल्का सा प्रेस कर थालपीठ को प्रेस कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इस तरह से पानी लगाएंगे। हाथों की सहायता से होल्ड कर लेंगे, यानी थालपीठ हमारे चारों साइड से अच्छी तरह सेक जाएगा। पैन के बेस को हम हल्का सा घी स्प्रेड कर लेंगे। इस तरह से कपड़ों की सहायता से थालपीठ को लेकर तवे के ऊपर डालेंगे और कपड़ा निकाल कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। चारों साइड से इसे हम घी को स्प्रेड कर लेंगे। अब हम थालपीठ को निकाल कर लेंगे और पलट कर सेक कर लेंगे। थालपीठ अच्छी तरह सेक कर रेडी हो गया है। इसे आप देख सकते हैं, दोनों साइड में थालपीठ सेक कर रेडी हो गया है। ये हो गए गर्मा गर्म थालपीठ बनकर रेडी। सर्व करते वक्त अपने पसंद अनुसार नींबू की चटनी या अचार, दही, सॉस और थालपीठ के ऊपर बटर का इस्तेमाल कर गर्मा गर्म थालपीठ सर्व कर सकते हैं। एज यूजल सम स्पेशल टिप्स फ्रॉम माई साइड। थालपीठ हमें घी में ही सेक कर लेना है और थालपीठ मीडियम फ्लेम पे ही सेक के लेना है। मैं आशा करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप ट्राई कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।